ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, आज हम हमारी योगिक चिकित्सा के अंतर्गत एक वीडियो और देने जा रहे हैं। आज का वीडियो है खांसी पर। खांसी सूखी और कफ फली दोनों की हम बात करेंगे, ताकि आपको दोनों विषय एक साथ में स्पष्ट हो जाए। अभी खांसी है क्या, हम आपको पहले वो स्पष्ट कर दें। खांसते समय गले में टूटे हुए कांसे जैसे बर्तन की आवाज़ आती है। कांसे का बर्तन टूटता हुआ कैसी आवाज़ करता है, वैसी आवाज़ आती है, इसलिए इसको कांस भी कहते हैं। और फेफड़े और श्वसन मार्ग के बीच में कुछ अटक जाता है, कभी कफ होता है, कभी थोड़ी खराश जैसा जो गले में अक्सर उतर जाता है, वो खराश भी होती है कभी कभी। वो जब आता है तो श्वसन तंत्र है उसको हटाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको वो अनईजी हो रहा है, सांस नहीं लेते बन रहे, तो उसको हटाने का प्रयास करता है। उसके परिणाम स्वरूप खांसी आती है, और इसको जो अवरोध को है उसको हटाना, इसलिए खांसी आती है। अब ये खांसी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी होती है और दूसरी कफ वाली खांसी होती है। मित्रों, दोनों खांसी में भेद समझें। यदि आपको ये भेद समझ में नहीं आएगा तो एक का इलाज यदि आपने दूसरे में कर दिया तो इसमें आपको हानि हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही विपरीत हैं। जैसे यदि सूखी खांसी है तो उसका कारण होता है वात और पित्त का गड़बड़ होना, और जो कफ वाली खांसी उसमें कफ की वृद्धि हो जाती है, जो छाती में जाम हो जाता है उसके कारण खांसी आती है। और सूखी खांसी जो है वो वात और पित्त, जब पित्त कई बार बढ़ जाता है उसके कारण से भी खांसी आती है। वो कैसा अंतर है वो हम आपको बता देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं। जो सूखी खांसी उसके कारण क्या होता है, उसके लक्षण क्या है वो हम आपको बता दें। सूखी जो खांसी होती है उसमें खांसी अधिक होती है, और आप यदि इसको नोटिस करेंगे तो खाली पेट खांसी ज़्यादा आएगी, और भोजन के करीब 1-1.5 घंटे बाद खांसी ज़्यादा आएगी, और रात को सोते समय खांसी ज़्यादा आती है। उसके अलावा ये खांसी जो जैसे कि बताया वायु और पित्त के कारण होती है, तो इसका जो प्रमाण है वो कुछ अलग होता है, और इसमें कफ निकलता नहीं है। बहुत जोर से खांसी आएगी, ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटका पड़ा है, गले में बहुत जोर से अटका है, और ओ करते रहो पर वो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो ये है सूखी खांसी। थी कफ वाली खांसी तो उसमें कफ निकल आएगा, पर सूखी खांसी में बिल्कुल नहीं निकलेगा, बस गले में कुछ अटका पड़ा है उसको निकाल दे, बस यही स्थिति बनती है। उसके अलावा आवाज बैठ जाती है, क्योंकि बहुत जोर से खांसते तो आवाज इसमें बहुत जल्दी बैठ जाती है, और साथ ही ये जैसा कि बताया रात के समय ज्यादा होती है, और इसमें कई बार जब बहुत ज्यादा खांसते हैं ना, तो खांसने की वजह से पसलियां और छाती फेफड़े बहुत बुरी तरह से कमजोर हो जाते हैं, मतलब दुखने लग जाते हैं, तो सांस लेने में बड़ी पीड़ा होती है। क्योंकि पहले मुझे ये चीज़ हुआ करती थी, मुझे बहुत याद अच्छी तरह से याद है, मुझे करीब ये 6-7 साल पहले पीड़ा होती थी, तो बहुत परेशान हो जाती थी। अच्छा, अब हम आपको कफ वाली खांसी भी बता दें, क्योंकि इलाज हम दोनों के साथ में आपको बताएंगे, अलग से बताएंगे इसके बाद ही। जो कफ वाली खांसी है उसमें आपको क्या होगा, उसमें गले में छाती में कफ जाम होता है। छाती पे आप कान लगाते हैं ना अपना, जैसे वो डॉक्टर चेक करता है, यदि आप अपना सीधा कान लगा देते तो आपको घर घर की आवाज़ सुनाई देगी, और गले में भी घर घर की आवाज़ आएगी जब सांस लेंगे तो। और सूखी खांसी में घर घर की आवाज़ नहीं आती है, तो घर घर की आवाज़ आएगी, और साथ ही इसमें क्या होगा कि आपको कफ खांसेंगे तो कफ निकलेगा, और कफ कई बार सूखा होता है तो थोड़ा निकलने में समय लगता है, पर निकलता है इसमें कफ, और कई बार ऐसा लगता है जैसे मुँह में पूरा कफ चिपट गया है। तो ये जो है इसके कफ वाली खांसी की स्थिति है। मित्रों, तो इसके ये कारण क्या है पहले वो भी जान लें। कारण में इसका जो मुख्य कारण है, नाक और मुंह से धुआं जाना। अक्सर आप देखते हैं आजकल लोगों के मुंह सांस लेने के लिए खुले रहते हैं, तो जब मुंह से धुआं जाता है तो इसमें अक्सर खांसी आ जाती है। तो धुआं या धूल भी जाती है, तो कुछ भी जाता है तो खांसी आ जाती है। कुछ लोग मुंह खोल के सो जाते हैं, ऐसे सो जाते हैं, तो उनको भी खांसी आ जाती है। अच्छा, उसके अलावा सूखे और रूखे अन्न का सेवन करना, कुछ लोग होते हैं जैसे नमकीन वगैरह उसका सेवन करते तो उससे सूखा अन्न होता है, तो उससे भी तकलीफ होती है। कुछ लोग अधिक व्यायाम कर रहे थे, मित्रों बहुत ज्यादा व्यायाम करना भी हानिकारक है, इसलिए हम कहते हैं अपनी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो आप जब अधिक व्यायाम करेंगे तो भी ये समस्या आएगी। उसके बाद भोजन जो है कभी कभी श्वास नली में चला जाता है, अन्न नली में चला जाता है, मतलब उल्टा बोल रही हूँ, पहले सही बोल रही थी। भोजन जब हम करते हैं तो बात करते करते जब भोजन करते हैं तो भोजन अन्न नली में जो जाना चाहिए वो श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण श्वास नली में भोजन निकालने की स्थिति बनती है, तो खांसी आ जाती है। पर ये खांसी बस थोड़ी जब समय रहती है, उसके बाद थोड़ा सर ठोक दो या थोड़ा पानी वानी पी लो, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, तो ये खांसी ठीक हो जाती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। उसके अलावा मलमूत्र का वेग रोकने से भी किसी किसी को खांसी आ जाती है, और इसके लिए भी बस थोड़ी देर में चली जाती है। उसके बाद कुछ लोग बीड़ी सिगरेट आदि का नशा करते हैं, हुक्का पीते हैं, तो जब कोई अति मात्रा में करते हैं क्या उनके लिए ज्यादा हो जाता है, उनको लगता है हम अति नहीं कर रहे हैं, पर शरीर की कमजोरी है, जैसा स्थिति बनती है तो अति हो जाती है, तो उनको भी खांसी हो जाती है। और ये कई बार टीबी का रूप भी ले लेते हैं, मतलब आंत तो ये जो फेफड़े होते हैं ना उनको जला देती है, उनको भुना देती है, मतलब इतनी हालत खराब कर देती है। तो और कई बार कफ जो होता है उसके कारण खांसी आती है, तो सबसे बड़ा कारण है उसका। तो ये हमने आपको इसके कारण ही बता दिया, हम आपको इसकी चिकित्सा बताते हैं। इसकी चिकित्सा में सबसे पहले हम आपको आसन बता दें, मत्स्यासन, शलभासन, ये आसन आपके लिए काफी उपयोगी हैं,
और इसके अलावा आपको बताएं तो जो आप कर सकते हैं कपाल भाती करना, यदि कफ की खांसी तो आप कपाल भाती करें, पर वात और पित्त की खांसी है तो कपाल भाती, सूखी खांसी में आप कपाल भाती ना करें, इससे आपकी अंदर का सूखापन और बढ़ जाएगा। उसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हैं बहुत शांति से, और यदि कफ वाली खांसी है तो आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें, सूर्य मुद्रा ये होती है, पर ये कफ वाली खांसी के लिए करें सूखी, और यदि अस्थमा है कफ वाली खांसी तो आप ये मुद्रा का लाभ ले सकते हैं, पर यदि आपको सूखी खांसी है तो आप वरुण मुद्रा करें, और यदि आपने कफ वाली खांसी में वरुण मुद्रा कर ली तो आपको इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, और वैसे भी सूखी खांसी में आपने जो सूखी खांसी उसमें यदि आपने सूर्य मुद्रा कर ली तो इसका उल्टा प्रभाव हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको खांसी कैसी, पहले उसका समाधान, खांसी पहले जांचिए आपकी खांसी कैसी है, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। उसके अलावा यदि आपको सूखी खांसी है तो आप दूध गर्म कर लीजिए, उसको ठंडा करिए और उसको पंखे के नीचे आप ठंडा रख के कर लीजिए, उस दूध को पियेंगे तो ये सूखी खांसी में बहुत जल्दी आराम देता है। यदि आपकी खांसी कफ वाली है तो इस दूध में को गर्म करिए, उसमें 2-3 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, और उबलते दूध में हल्दी डाल दीजिए और उसको ऐसे ही ठंडा होने दीजिए, और ये दूध जितना आप गर्म पी सकते हैं उतना गर्म आपको पीना है, और ये ग्लास भर दूध लीजिए, थोड़े से दूध में आप हल्दी ना डालें, इससे आपको उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा तो आप पी नहीं पाएंगे। और इस मीठा यदि करना है, मीठा ना डाले तो सबसे अच्छी बात है, मीठा करना ही पड़े तो आप मिश्री का मीठा लीजिए, इसमें शहद ना मिला, क्योंकि दूध गर्म है, शहद हानिकारक हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं दूध हल्दी और शहद लो अच्छा है, पर गर्म में ना लें वो विष हो जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। उसके अलावा आप अड़ूस, आप और क्या कर सकते हैं कि आप, हाँ मैंने बीच में ये उस पर चली गई थी, आप सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया। वात्सारी धोती, वात्सार धोती कर सकते हैं, ये धोती इसकी क्रिया मुझे ज्यादा पता नहीं, पर हमारे कोर्स में है तो मैं आपको बता रही हूँ। वस्त्र धोती कर सकते हैं, शरीर की शुद्धि के लिए और भी क्रियाएं वो कर सकते हैं, जैसे एनिमा ले सकते, पर एनिमा लेते समय ध्यान रहे पेट साफ होने के बाद एनिमा ले तो ही काम अच्छा काम करेगा, तो आंतें खराब हो जाती हैं उससे ज्यादा उपयोग करने से, आंतें नॉर्मली खराब नहीं होती, पर यदि आप अति कर देते हैं तो फिर आंतें अपने आप काम करना बिल्कुल बंद कर कम कर देती हैं, उनको पता है कि आएगा और चला लेके जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो आप इसमें और क्या ले सकते हैं, अड़ोसी जो होती है अड़ोसा जो बोलते हैं उसको, और रस निकालने उसका शहद के साथ आप सेवन कर सकते हैं, मात्रा कितनी लेनी है आपकी आवश्यकता के अनुसार तय कर सकते हैं। 5 ml अड़ूसे का रस निकालिए, उसमें आपको आधा चम्मच 1 चम्मच जितना शहद देना है, शहद इसमें हानि नहीं करता है, शहद आपके लिए लाभकारी है, पर ये कफ वाली खांसी के लिए। उसके अलावा घी और काली मिर्च का आप सेवन कर सकते हैं, ये सूखी खांसी के लिए भी आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आप जो जिसका गला बैठ जाता है मतलब सूखी खांसी के बाद, वो फिटकरी के गरारे कर सकते हैं, नमक के पानी के आप गरारे कर सकते हैं, गुनगुने पानी में नमक थोड़ा घोल लें, फिटकरी अलग अलग, फिटकरी का पानी अलग है, नमक का पानी अलग है, दोनों को मिलाएं नहीं, मिलाने में गड़बड़ हो जाएगी तो वो ना करें। उसके अलावा अरंडी के तेल में हरड़ जो होती है ना, हरड़ उसको भून लें और उसका चूर्ण बना लें, ये आप दोनों ही सेवन कर सकते हैं, दोनों ही खांसी में ही सेवन किया जा सकता है, इससे हानि नहीं होती, क्योंकि हरड़ जो है उसकी प्रकृति हमारे शरीर के लिए हर स्थिति में साम्य है, तो उसके सेवन से हमेशा लाभ ही होता है। तो ये हमने आपको, हाँ कफ वाली खांसी के लिए मैं आपको एक अक्सर इलाज बताऊं जो मैं हमेशा सालों से, मैंने अपने बच्चे पर भी प्रयोग किया और मैंने बहुत जगह इसको प्रयोग किया और बहुत सफल नुस्खा है मेरा। ये क्या है कि आप जितने साल का बच्चा है उतने बूंद नींबू का रस लीजिए, उसमें आधी से 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, छोटा है तो कम नींबू लेना है तो कम शहद मिला लीजिए, और उसके अलावा जैसे उम्र 15 साल होती है तो 15 साल के बाद हाइट थोड़ा कम बढ़ती है, तो 15 बूंद हाईएस्ट होता है नींबू का रस, 15 बूंद नींबू के रस में हाईएस्ट, मतलब उम्र के हिसाब से 7-8 साल आपने 7-8 बूंद नींबू का रस लेकर आधा चम्मच शहद मिला के दे सकते हैं, और 15 साल की उम्र होने के बाद 15 बूंद लास्ट है, 15 से 18 बूंद, इससे ज्यादा आपको शहद नहीं लेना है, नींबू का रस नहीं लेना है, और उसमें आधा से 1 चम्मच आप शहद मिला के आप दिन में 3 बार सेवन करिए, आपकी कफ वाली खांसी बहुत जल्दी आराम देगी और सीधे धीरे धीरे पूरा कफ निकाल के मलमार से कफ निकलेगा और आपको पूरा कफ निकल जाएगा और बहुत जल्दी आराम देगा। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है और मैंने बहुतों पर आजमाया है, तो आप इसको कर सकते हैं, इससे आपको सरलता होगी और सहायता भी होगी। अच्छा, अब इसके अलावा हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा क्या करें वो भी बता दें। 1-2 दिन का उपवास करें, उपवास के दौरान यदि खांसी आती है तो उस समय आप एनिमा ले सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में एनिमा का बहुत बड़ा महत्व है, और इस समय आप देखें कि आप यदि कफ वाली खांसी है तो आप तुलसी का काढ़ा भी ले सकते हैं और उसको आपको काफी लाभ देगा। जब ये खांसी आ रही है तो यदि सूखी खांसी है तो उसमें आप कपड़े की लपेट ले लें ताकि आपको उससे आराम मिल जाए, गीले कपड़े की आप लपेट लें ताकि आराम मिले, और यदि आपको कफ वाली खांसी है तो छाती में
आप अरंडी का तेल या देशी गाय का घी जो आता है उसको गुनगुना करके छाती में और पीठ में मल दें और गले में लगा दें, हाथ पैर में लगा दें, ताकि इससे कफ में बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये बहुत जल्दी काम करता है और इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। और जब आपको ये आता है, जब ये खांसी हो रही है मित्रों, एक बहुत अक्सर इलाज मैं आपको बताऊं इसका, और नाक में तेल डालना शुरू कर दीजिए। मित्रों सूखी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी नाक में तेल डालने से। नाक में तेल बादाम लोबन ले आइए और नाक में दो दो बूंद लेट जाइए, आराम से लेट जाइए, लेट के आप दिन में 3 से 4 बार डालिए। इससे आपकी नाक से सांस चलने लगेगी और आप गहरी सांस ले पाएंगे। जितनी आप गहरी सांस लेंगे उतने आपके फेफड़े खुलते जाएंगे, और जितने ही आपके फेफड़े खुलेंगे ना उतना ही आपका कफ फेफड़ों से साफ होता जाएगा। और ये कफ यदि आपको, जब आप कफ साफ हो रहा है नींबू शहद ले रहे हैं और नीचे से कफ निकलेगा, आपको लूज मोशन हो चिंता ना करें, ये आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये दवा खाएंगे तो आपका कफ निकलना रुक जाएगा, तो ये आपका विकृत कर जाएगा। और ये जो आपको मल निकलेगा ना नीचे से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ निकल रहा है कफ जैसा, तो आप उसकी चिंता ना करें। और आंव जैसा लगा, पर आंव जैसा लगेगा पर उसमें आंव जैसा पीड़ा नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, मरोड़ नहीं आएंगे, बस वो निकल जाएगा। तो दस्त होने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, बस निकल जाने दीजिए इसको। तो ये बहुत अक्सर इलाज है, तो इसका आप करेंगे तो आपको समाधान अच्छा मिलेगा। करके देखिए, हमारे प्रयोग है और साथ ही हमारे पुस्तक के भी प्रयोग है। और यदि अस्थमा जैसा कोई भी रोग है, हमारी प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य रक्षा चैनल की, स्वास्थ्य नियम सामान्य रोग, स्वास्थ्य नियम तो प्लेलिस्ट है अलग से है। सामान्य रोग में हमने कफ के बहुत सारे वीडियोस दिए हैं, तो आप उनको देखिए, उसके निर्देशों का पालन करिए, आपको पूरा समाधान मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।